हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो येट अगेन एक अनदर हॉल वीडियो मैं लेके आई हूँ। आज का हॉल वीडियो हमारा है हम सब का फेवरेट ज्वेलरी के साथ। तो मेरे चैनल का जो पहला व्लॉग मैंने जो पहला हॉल वीडियो बनाया था वो भी एक ज्वेलरी का था, तो जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स को बहुत पसंद आया था। ऑब्वियसली अभी मैं एक यंग टोडलर हूँ अभी मैं इस यूट्यूब दुनिया में, तो जो मेरा अभी जो मेरे फॉलोवर्स हैं बेसिकली आर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो उनको मेरा ज्वेलरी हॉल वीडियो बहुत पसंद आया था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे मैंने क्लोदिंग रिलेटेड हॉल वीडियोज़ डाले हैं। मैंने अमेजोन हॉल वीडियो डाला है, मैंने डीमार्ट हॉल वीडियो डाला है और फ्लिपकार्ट हॉल वीडियो डाला है, और उसके साथ साथ मैंने इन बिटवीन 2-3 होम डेकोर वीडियोज़ डाले हैं, तो वो भी लोगों को पसंद आए हैं। तो आई थॉट कि एक नेक्स्ट ज्वेलरी हॉल बनाते हैं। तो आज का जो मेरा ज्वेलरी हॉल वीडियो है बेसिकली वो वेस्टर्न ज्वेलरी हॉल वीडियो है, क्योंकि आप देखेंगे यूट्यूब पे भरे हुए हैं एथनिक ज्वेलरीज, तो एथनिक ज्वेलरीज नहीं चलते हैं जब आप जीन्स पहनते हो, इवनिंग गाउन पहनते हो, शाम को कहीं घूमने जाते हो या किसी ऑफिशियल गैदरिंग में जाते हो। तो इसके लिए क्या होगा, हमको ना ज्वेलरी तो चाहिए लेकिन वो एथनिक नहीं होना चाहिए, वो कुछ ऐसा मिक्सअप होना चाहिए कि आप सूट्स के साथ और डे टू डे उसके साथ डेली वेयर के साथ डाल सके। तो आज का जो ज्वेलरी हॉल वीडियो है बेसिकली इसी से रिलेटेड है कि वेस्टर्न ज्वेलरी मैंने सेलेक्ट की है कुछ, क्योंकि जब हम लोग यूजुअली मॉल्स में जाते हैं कि घूमने जाते हैं ऑब्वियसली हम एथनिक कपड़े नहीं पहनते हैं, हम बहुत ही यूजुअल ड्रेसेस पहनते हैं या कुछ वन पीस पहन लेते हैं इवनिंग के लिए कहीं जा रहे हैं तो डिनर के लिए, अदरवाइज बेसिकली जीन्स टॉप चलता है। तो जीन्स टॉप के साथ हम क्या ज्वेलरी पहन सकते हैं, तो आज का हॉल वीडियो उससे रिलेटेड है। तो चलिए हम आज का हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपना पहला ज्वेलरी दिखाते हैं। ये मैंने मिंत्रा से मंगाया है फ्रॉम द ब्रांड ड्रेसबेरी। ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है, इसके आप शूज़ ले लीजिए, आप इसके सिलेटोज ले लीजिए, इसके जीन्स या टॉप ले लीजिए, वो बहुत अच्छा है। बट ज्वेलरी मैंने इस ब्रांड से पहली बार मंगाया है, इसका फीडबैक तो बहुत ही अच्छा था। तो ये ज्वेलरी है, दिस इज द स्टाइल, बहुत ही इन है ये स्टाइल आजकल ना पहनने के लिए, तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है, मैंने ट्राई किया है, मैंने 2 ड्रेसेस का इसको पहन भी लिया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका लेंथ कितना होगा और पहनने के बाद ये कैसा लगेगा। सो दिस, देखिए, लुक एट इट, कितना एलिगेंट, सिंपल और बेटर है। आप इसको सूट्स के साथ पहनिए, ड्रेसेस के साथ पहनिए, या आपने नॉर्मल ऑफिस में भी जाके पहन सकते हैं, ये इतना एलिगेंट है। तो ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि इसका मैंने एक सेकेंड कलर भी परचेज किया है। तो मैंने सेम पैटर्न के 2 परचेज किए, पहले मैंने ब्लैक मंगाया, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसके साथ ही मैंने गोल्डन कलर भी मंगाया है। तो ये भी इस तरीके से है, देखिए, एक सर्कल है और उसके बाद ये रेक्टेंगल है। ये ना मेटल है, दिस इज़ नॉट प्लास्टिक, ये मेटल है और थोड़ा सा इस ईयरिंग में वजन भी है। ये बिल्कुल लाइट वेटेड या बोलेंगे फेदर वेट नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कुछ पहना नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा वजन है क्योंकि ये मेटल में है। देखिए देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ब्लैक मैंने मंगवाया है और सेम मैंने गोल्डन मंगवाया है, दिस इज गोल्ड गोल्डन कलर, बेज बोल दीजिए गोल्डन, क्योंकि इतना शिमरी नहीं है ये, तो ऑल दो ये गोल्ड में है बट इज नॉट शिमरी, तो ये बहुत सटल सा कलर है, अच्छा लगता है, आप किसी भी ड्रेस पे इसको पहन सकते हैं। तो ये हम मेरे हॉल वीडियो के पहले 2 ईयरिंग्स हैं और इसके बाद नेक्स्ट ईयरिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम नेक्स्ट ईयरिंग सेट पे आते हैं, दिस इज़ अगेन फ्रॉम द ब्रांड ड्रेसबेरी। मेरे साथ ना कुछ ऐसा होता है जब मैं कोई एक प्रोडक्ट खरीदती हूँ मुझे अच्छा लगता है ना, तो फिर मैं उस ब्रांड के बाकी प्रोडक्ट्स भी देखती हूँ। तो मैंने जब इसके ज्वेलरी सेक्शन में गई, मैं ईयरिंग सेक्शन में गई, मैंने ये ब्रांड सेलेक्ट किया, तो इसके ईयरिंग्स बहुत सुंदर हैं, इतने प्यारे प्यारे ईयरिंग्स हैं ना इस ब्रांड के अंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, थोड़े से यूनिक, डिफरेंट, एथनिक लुक से अलग, तो आपको पसंद आएंगे। देखिए कितना सिंपल एंड सोबर सा पीस है, ये कितना प्यारा पीस है। तो इसको मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। क्वालिटी ब्रांड का बहुत अच्छा है, आप इजीली इस ब्रांड को ट्राई कर सकते हैं, इसके ईयरिंग्स आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। देखिए ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको इवन अपने सूट्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेंथ बिल्कुल प्रॉपर है, और ये वाले लाइट वेटेड हैं, इसमें आपको वेट नहीं लगेगा। जो मैंने आपको पहले 2 दिखाए थे उनमें थोड़ा सा वेट है, उनमें वेट है। तो ये हमारा 3rd सेट है ईयरिंग का, अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड ड्रेसबेरी।
तो अब मैं आपको दिखाती हूँ फोर्थ, अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड. अभी वो होता है ना कि एक ब्रांड जब आपको पसंद आता है तो आप उसी को प्रेफर करते हैं लेने के लिए, तो इसी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. तो मैंने जब देखे तो मुझे लगा चलिए इसी ब्रांड को ट्राई करते हैं. दीज आर लूप्स और ये बीड्स हैं, ये सब बीड्स हैं, चिपके हुए नहीं हैं, एक मेटल वायर में इन सबको बांधा हुआ है. बहुत ही अच्छे, बहुत ही वाइब्रेंट. इसमें आपके पास काफ़ी कलर्स हैं, इस लूप के अंदर आपके पास बहुत कलर्स हैं, मल्टी कलर्स भी हैं और काफ़ी अलग अलग पैटर्न्स हैं आपके साथ इस लूप वाले डिज़ाइन में, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं. मुझे ब्लू अच्छा लगा तो मैंने ब्लू ले लिया. ऑल्दो ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि मुझे किस ड्रेस के साथ पहनना है, बट मुझे ये अच्छा लगा. आई थॉट मेरे पास ब्लू में कम थे तो ये सोच करके मैंने ब्लू ले लिया कि ब्लू ले लेते हैं. ये देखिए परफेक्ट साइज़ है, बिल्कुल बड़ा नहीं है. ईजिली आप इस वाले ईयरिंग सेट को आप ईजिली अपने ऑफिस में ही पहन सकते हैं, ईजिली ऑफिस में पहन सकते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल कॉलेज में पहन सकती हैं. बिल्कुल भी वेट नहीं है, बिल्कुल भी वेट नहीं है और लेंथ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे छोटे तो आई थिंक वो बिल्कुल जैसे गोल्ड में बालियां पहनते हैं बहुत छोटा हो जाएगा. दिस इज़ द परफेक्ट साइज़ फॉर डेली वेयर, बहुत अच्छा साइज़ है इसका. तो इसके बाद जो मैं दिखा रही हूँ ईयरिंग सेट, वो आजकल बड़ा इन है मार्केट में ना, आपने देखा होगा वो बहुत इन है. मैं आपको दिखाती हूँ ये पैटर्न बहुत इन है. इसमें आपको लाइक नंबर्स ऑफ कलर्स, नंबर्स ऑफ डिज़ाइंस, इवन इसमें स्माइलीज भी अवेलेबल हैं. एक राउंड है उसमें स्माइलीज बने हुए हैं, स्माइलीज पैटर्न भी अवेलेबल हैं इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे, और ये बहुत पैटर्न आजकल इन है. तो इन सभी ईयरिंग्स का मैं आपको बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो इतना ओवर द टॉप एक्सपेंसिव भी नहीं है ये देखिए. ये है थोड़ा आप जैसे इवनिंग पार्टीज़ में अगर आप जा रहे हैं कहीं पे, किसी फंक्शन में आप जा रहे हैं उसके लिए. इसमें एक वाइट कलर है, वाइट कलर भी बहुत अच्छा लगता है. और तो मैंने ब्लैक मंगवाया, ब्लैक बड़ा यूनिवर्सल सा होता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कलर पहना है. बिल्कुल मैचिंग नहीं होना है ना, कि जो पहना है वही कान में वही स्लीपर्स, बिल्कुल ओवर द टॉप भी मैचिंग नहीं करना चाहिए. तो ये ब्लैक कलर ऐसा है हर एक के साथ जाता है, और जितना ये बड़ा है उस हिसाब से इसमें वेट नहीं है. ऑल दो थोड़ा सा वेट है, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी वेट फैदर लाइट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये दिख रहा है कि जो उसका लेंथ है ना, जो प्रॉपर इसका लेंथ है उस हिसाब से इसमें वेट नहीं है. एंड पीस इज़ रियली वेरी गुड. इसके अंदर जितने भी मोती लगे हुए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, इतने अच्छे तरीके से ना सीक्वेंस का काम है और ये मोतियों का काम है. देखिए फिर यहाँ पे मोती हैं, बहुत ही प्यारा पीस है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा पीस है. तो ये भी आप ले सकते हैं, ये बहुत सुंदर पीस है. और इसके बाद हम चलते हैं लास्ट प्रोडक्ट ऑफ टुडेज हॉल वीडियो. ये अगेन आजकल मोतियों का काम थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है. बीड्स वर्क आपको सब चीज़ों में मिलेगा, कपड़ों में, इवन अगर आप जूतियाँ पहनना पसंद करते हैं जूतियों में बीड्स वर्क चल रहे हैं ना बहुत अच्छा है. तो अगेन ये ईयरिंग्स भी पूरे मोतियों वाले हैं. देखिए दीज आर द कलरफुल वंस, वेरी ट्रेंडी एंड वेरी लाइट वेटेड. जिस हिसाब से आपको दिख रहे हैं ना, देखिए ये देखिए, खेलने का मन कर रहा है इनके साथ तो मुझे, ये इतने अच्छे हैं. तो ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि ये कितना लॉन्ग है, पहनने के बाद कितना लंबा लग रहा है. और वेट बिल्कुल भी नहीं है इस ईयरिंग में. पाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी. देखिए लुक एट दिस पीस, आई थिंक मुझे लग रहा है ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मैं जो भी पीस पहनने मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिसको मैं कोट कर सकती हूँ बेस्ट पीस ऑफ टुडेज हॉल वीडियो. बट आई थिंक ये सारे पीसेस बहुत अच्छे हैं. अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत अच्छा है. या तो ये है कि जिस ड्रेस के साथ मैंने इसको पहन के पेयर अप किया था बहुत अच्छा लग रहा था. अगेन ड्रेस बेरी के ये दोनों पीसेस बहुत अच्छे हैं, आप ईजिली इनको ले सकते हैं ईजिली. ये दोनों पीसेस बहुत अच्छे हैं. इसमें आप इसमें एक रेड कलर भी है और एक वाइट कलर भी अवेलेबल है, तो वो कलर्स भी आप ले सकते हैं. ये लूप्स, इनकी तो मार्केट कभी आउट नहीं होती लूप्स की, तो ये हमेशा इन रहते हैं. आप कोई भी कलर में इनको ले सकते हैं. और अगेन ये पीस तो बहुत ही प्यारा है. प्लस अरे मैं इस ब्लैक को कैसे भूल सकती हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट, आजकल ये मेरा फेवरेट चल रहा है. तो ये बहुत अच्छा है. इसके मैं बाकी दो पीसेस भी मंगवाने वाली हूँ. एक इसमें ना राउंड, जैसे अभी ये स्टार शेप है ना, एक छोटा राउंड बड़ा राउंड भी है, फिर एक छोटा राउंड है, फिर नीचे एक रेक्टेंगल है. बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे पैटर्न कलर्स, एंड सिंगल कलर नहीं है इसमें, शेडिंग वाले पैटर्न्स भी हैं. लाइक
ओम्ब्रे पैटर्न जिसको हम बोलते हैं ना, लाइट एंड डार्क शेड्स, वैसे पैटर्न्स भी इसके अंदर अवेलेबल है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इयरिंग आई हैव एंड वन ऑफ द बेस्ट इयरिंग विच आई एम वेयरिंग ऑल्सो। सो लिंक, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट है इन सभी में। तो आज के हॉल वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको कोई ना कोई अच्छा इयरिंग लगा होगा, या आप आने वाले किसी फंक्शन के लिए कुछ इयरिंग सोच रहे होंगे, तो इन इयरिंग्स में से आपको कोई ना कोई तो टकराया होगा कि हाँ, इसको मैं उस ड्रेस के साथ पहन सकती हूँ, ये वाला ऑर्डर किया जा सकता है, राइट। तो आज के हॉल वीडियो में इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आज का हॉल वीडियो कैसे लगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जो सभी लोग बोलते हैं लाइक और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब से क्या होता है कि जितने लाइक्स होते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हाँ, अगर लाइक इतने लाइक्स आए तो इतने लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, दे फाउंड इट गुड। तो बस एक इतना ही है, थोड़ा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं या इतना सब कुछ है, लेकिन बस ये कि लाइक्स होते हैं तो आई फील इट हैप्पी, मुझे अच्छा लगता है, फाउंड इट वेरी हैप्पी लाइक कि इतने लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है। तो आज के हॉल वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में। टिल देन बाय।